उत्तराखंड में कल ही जो तबाही हुई है, लगभग 20 के करीब कैजुअल्टी की संभावना है। 12 सब बरामद कर लिए गए हैं और वहाँ पर तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वहाँ पर भेज दिया गया है। वहाँ पर 2 सेना के जहाज हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं, 2 हमने अपने स्टेट के हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं, एक हमारा स्टेट का, एक हमने किराए पर लिया है। और वहाँ पर जो ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ें वो सब वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। लगभग 200 के करीब जवान हमारे SDRF, NDRF और फॉरेस्ट से जुड़े हुए ऐसे 200 लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू में लगाया गया है। सड़कें लगभग 21 पॉइंट पर हमारी सड़कें वहाँ पर बह गई हैं बादल फटने की वजह से, तो उन सड़कों को जल्दी ठीक करने का किया जा रहा है। सभी गांव जो प्रभावित गांव हैं वहाँ पर सहयोग के लिए हमारे जवान पहुँच चुके हैं जो विशेषज्ञ हैं रेस्क्यू के। वहाँ पर 4 घायल थे, उनको देहरादून राजधानी में उनको अस्पताल में उठा करके और भर्ती कर दिया गया है। बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई हैं।